हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को इंडियन एक्ट्रेस आलिया भट्ट से काफी कंपेयर किया जाता है और हानिया को आलिया से खुद का ये कंपैरिजन अच्छा भी लगता है। पर मुझे पर्सनली हानिया की पर्सनालिटी से जेनिफर विंगेट जैसी वाइब आती है। क्या आपको भी हानिया जेनिफर जैसी लगती है तो कमेंट जरूर करना। पर क्या आपको पता है, हानिया को बहुत कम उम्र से ही मैच्योर होना पड़ा था और उनके एक लिप सिंक वीडियो ने उन्हें आज एक स्टार बना दिया। क्या है हानिया की लाइफ की ये पूरी स्टोरी, कैसा था उनका बचपन और कैसी रही उनकी अब तक की लाइफ जर्नी। हानिया आमिर की लाइफ से जुड़ी अब तक की ये सारी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हानिया आमिर का जन्म 12 फरवरी 1997 को पाकिस्तान के पंजाब के रावलपिंडी शहर में हुआ था। उनके फादर पहाड़ी है और वो पोटवाली लैंग्वेज बोला करते हैं और उनकी माँ हिंद कोवान है। उनकी एक यंगर सिस्टर भी है, ऐशा आमिर। हानिया अपनी माँ और सिस्टर के साथ ही रहती है पर वो अपने फादर के बारे में कभी ओपनली बात नहीं करती, क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ का मैटर है जिसे पब्लिकली डिस्कस करना वो प्रेफर नहीं करती। पर उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू बताया था कि उनके फादर अभी जिंदा है और हेल्दी एंड हैप्पी भी हैं। बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो अभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है और एक दूसरे से बात नहीं करते। पर वो आज भी उनसे बहुत प्यार करती है और उनको खो देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। हानिया हमेशा से पढ़ाई में एक अच्छी स्टूडेंट थी पर घर की ऐसी कंडीशंस की वजह से वो काफी जल्दी मैच्योर हो गई थी और उन्हें ही घर संभालना पड़ता था, इसलिए पढ़ाई को उन्हें बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा। उन्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो एक्टिंग फील्ड में आई और लकीली उन्हें यहाँ काम मिलता गया। हानिया कहती है कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए वो अपने कॉलेज ड्रॉप आउट की बात बार बार डिस्कस नहीं करती जिससे दूसरी गर्ल्स पर इसका नेगेटिव असर ना पड़े। और क्योंकि वो एक अच्छी स्टूडेंट थी और यदि उनकी मजबूरी ना पड़ती तो वो जरूर अपनी स्टडीज खत्म करती। वैसे हानिया अपने कॉलेज और स्कूल फ्रेंड से आज भी टच में है, पर उनके फ्रेंड्स के साथ यदि वो अपनी कोई फोटो पोस्ट कर देती है तो सब लोग उनके फ्रेंड्स को परेशान करने लगते हैं, इसलिए ना उनके फ्रेंड्स को लाइमलाइट में आना पसंद है, ना ही हानिया उनके साथ अब फोटो पोस्ट करना प्रेफर करती है। हानिया के एक्टिंग करियर की शुरुआत वैसे स्कूल डेज में ही हुई, जब वो एक थिएटर प्ले के दौरान एक पेड़ बनी थी। उसके बाद जैसे उनकी एक्टिंग का सिलसिला शुरू सा हो गया। बाद में वो ऑनलाइन डब्स मैश वीडियोस पोस्ट करने लगी। ऐसे ही एक डब्स मैश वीडियो में पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर इमरान काजमी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने हानिया को एक मूवी ऑफर दे दिया। ये मूवी थी जनान। साल 2016 में जब हानिया फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट थी, तब उन्होंने इस रोमांटिक कॉमेडी मूवी जनान का ऑडिशन दिया था और ये उनकी डेब्यू मूवी साबित हुई। इसमें उन्होंने एक पश्तून लड़की का रोल निभाया था जिसके लिए उन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया। 2017 में उन्हें तितली ड्रामा शो में कास्ट किया गया जिसमें उन्होंने एक ब्यूटी ऑब्सेस्ड बेवफा वाइफ का रोल निभाया था। ये शो फेमस नोवेल ब्यूटी एंड द बीस्ट का रीमेक था और इस शो का ह्यूज सक्सेस उन्हें वाइड रिकॉग्निशन दिलाने में कामयाब रहा। इसके बाद वो 2017 में हम टीवी के शो फिर वही मोहब्बत में ऑडियंसेस के बीच इतनी पसंद की गई कि उन्हें इस टीवी शो के लिए बेस्ट टेलीविजन सेंसेशनल फीमेल का हम अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद उन्हें नामालूम अफराद पार्ट 2, हसीब हसन, विशाल जैसी पॉपुलर फिल्म्स एंड ड्रामास में देखा गया। पर ये सब 2018 तक की बात थी। साल 2019 उनके करियर का वो साल रहा जिसने हानिया आमिर को मोस्ट प्रोमिनेंट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल कर दिया। 2019 में उन्होंने शहजाद शेख के अपोजिट एक रोमांटिक ड्रामा शो अन्ना में एक्ट किया था। एक्टिंग के साथ ही शाहिर बग्गा के साथ उन्होंने एक सॉन्ग गाया था जिसे यूट्यूब पर 8 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले। और हानिया क्योंकि एक ट्रेंड सिंगर भी है, इसलिए काफी इवेंट्स में उन्हें सिंगिंग करते भी देखा गया है। 2020 में कुछ और रोमांटिक ड्रामास का पार्ट रहने के बाद साल 2021 में वो मेरे हमसफर में फरहान सईद के अपोजिट देखी गई और इस शो ने उनकी पॉपुलैरिटी को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में भी बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई और हानिया को सभी लोग जानने लगे। इसमें उन्होंने हला हमजा नाम का किरदार निभाया था और शायद आप में से भी कई लोग हानिया को इसी शो से जानने लगे हो। यदि आप में से कोई हानिया को पहले से ही जानता था तो हानिया की उस फिल्म या ड्रामा का नाम कमेंट जरूर करें। हानिया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका नाम सिंगर असीम अजहर से रिलेशनशिप में जुड़ा था, बट उन्होंने आईमा बैग के लाइव सेशन में इन बातों को रूमर्स बताते हुए डिनाई कर दिया। फिल्म्स और मूवीज के अलावा हानिया काफी फेमस टीवी कमर्शियल जैसे सन सिल्क, नेस्ले के अलावा और भी क्लोदिंग एडवर्टीजमेंट्स में फीचर की जाती रही है। इसके अलावा वो रैंप वॉक्स का भी हिस्सा रह चुकी है और ग्राजिया, गुड टाइम्स और हेलो मैगजीन के कवर पेज पर भी जगह बना चुकी है। अपने फ्री टाइम में हानिया पेंटिंग्स बनाना और बुक पढ़ने का शौक रखती है और वो एक बहुत बड़ी एनिमल लवर भी है। उनके पेट डॉग का नाम बोबो है। हानिया का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है जहां वो व्लॉग्स अपलोड करती है। क्या आप भी उनके व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।